अंग स्पर्श मंत्र से हम अपने अंगों की शुद्धि के लिए, आरोग्य के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बायां हथेली को सामने रखेंगे और दाहिने का अंगूठा, तर्जनी और कनिष्ठ मिलाकर बीच की दो अंगुलियों से हम स्पर्श कर देंगे और जिस अंग का नाम लेंगे उसको दाहिने से बाएं की तरफ छूना है। ओम वांग मैं आए अस्तु। मुख के दाहिने तरफ बाएं तरफ, हे परमात्मा मेरे ओठ में, मेरे जीवा में, तालू में, कंठ में, मसूढ़े में किसी प्रकार का कोई बीमारी ना हो और हम मुख से जो कोई शब्द निकालें तो बहुत ही पवित्र शब्द हो। ओम नसोर में प्राणो वस्तु। नासिका के दाएं तरफ बाएं तरफ हे परमात्मा, नाक में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो और नाक के माध्यम से जो हम सूंघने की शक्ति है वो हमेशा बनी रहे। ओम अक्षोरण में चक्षुर वस्तु। नेत्र के दाएं तरफ बाएं तरफ हे परमात्मा, मेरे आंखों पे कभी चश्मा ना चढ़े, आंखों में मोतियाबिंद ना हो, कुरकुमा ना हो, काला मोतिया ना हो और रोशनी हमेशा हमारी बनी रहे और आंख से किसी भी माँ बहन को देखे तो उसमें अपनी माँ और बहन का स्वरूप दिखाई पड़े। ओम कर्ण ओर में स्रोत मस्तु। कान के दाएं तरफ बाएं तरफ हे परमात्मा, मेरे कान का जो पर्दा है उसमें कभी छेद ना हो, कभी घाव ना हो, कभी मुपात ना हो और कान से जो हम लोग सुनते हैं वो शक्ति हमेशा बनी रहे और कोई गाली भी यदि हमें देता है तो ऐसा लगे कि हरि का भजन गा रहा है, ऐसा भाव हम अपने आप में भीतर स्थापित करते हुए। ओम बाएं ओर में बलम अस्तु। कंधा के दाएं तरफ और बाएं तरफ हे परमात्मा, मेरे कंधे में, मेरे जोड़ों में, मेरे भुजाओं में, मेरे कलाइयों में, मेरे कोहनियों में, मेरे हथेलियों में और उंगली के जोड़ों में कभी कोई दर्द ना हो और ये हाथ यदि उठे कभी तो किसी को मारने के लिए नहीं, मुर्गा काटने के लिए नहीं, बकरा काटने के लिए नहीं, मछली को तड़पा के मारने के लिए नहीं, ये हाथ उठे तो किसी को बचाने के लिए या किसी रचनात्मक कार्य करने के लिए उठे, इसीलिए भगवान ने हाथ दिया है। ओम उर्वर में वो जो मस्तु। घुटना के दाएं तरफ और बाएं तरफ हे परमात्मा, मेरे कमर से लेकर के, मेरे जंघाओं से लेकर के, मेरे घुटने से लेकर के और पिंडली से लेकर के सारे हमारे जो अंग हैं उसमें कभी बीमारी ना हो और हमारा जब कदम उठे तो कहीं शुभ कार्यों में जाने के लिए हमारा ये कदम बढ़ता जाए, कभी अशुभ कार्यों के लिए नहीं कदम उठे मेरा। ओम हरिष्ठानी महंगानी तनु संतवा मैं सह संतो। ऊपर ले जाके छिड़कते हैं पूरे शरीर के ऊपर, हे परमात्मा जिन अंगों का नाम ली वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, वो भी आरोग्य रहे और जिन अंगों का नाम नहीं ली वो भी नाराज ना हो इसलिए वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सर्वांगीण शरीर के सारे अंगों की शुद्धि के लिए, आरोग्य के लिए, निरोग के लिए हमने ये मंगल कामना प्रभु से किया कि हे परमात्मा हमारा शरीर रूपी मंदिर स्वस्थ रहे और जब शरीर रूपी मंदिर स्वस्थ होगा तभी जाकर के हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। समाज बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय।